इसीलिए ये सच चर्चा है। क्यों कहा जाता है कि बार बार प्रभु का गुण सुनिए, बार बार प्रभु का गुण सुनिए, प्रभु के स्वभाव का ज्ञान होते ही फिर मन लगता है प्रभु में। ये प्रभु के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है ना, कितना मीठा, कितना मधुर, कितना कोमल स्वभाव प्रभु का है, कितना सुंदर, उससे सुंदर इस सारे अस्तित्व में कुछ नहीं जितना सुंदर प्रभु का स्वभाव है। एक और बात मैं आपको कहूं, प्रभु से भी सुंदर प्रभु का स्वभाव है, प्रभु से भी सुंदर प्रभु का स्वभाव है। प्रिया जी के रूप के लिए तो क्या कहा जाए, कहना उस रूप की अवहेलना करना है। प्रिया जी के रूप को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, वो तो अनुभव रूपम है ना, वो तो अनुभव का विषय है। पर इतना कहा जा सकता है कि प्रिया जी के रूप से भी सरस सुंदर प्रिया जी का स्वभाव है। तभी तभी हम नित्य प्रति स्तुति जो करते हैं ना, वो श्री जी के स्वभाव की करते हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। देखो जो निकट जाने का साहस होता है ना, वो तो स्वभाव की अनुकूलता हो जाने पर होता है। क्या क्या आधार है हमारे पास, हमारे पास क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, क्या साधन है जो हम श्री जी के निकट जाएं? वो तो श्री जी का स्वभाव है। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, और फिर करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। कह रहे नेक होना रिस केहू भूले होना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी। एक बार अनुभव हो जाए बस प्रभु के सुंदर, परम सुंदर स्वभाव का। और मैं फिर कह रहा हूं भाई, प्रभु से भी सुंदर प्रभु का स्वभाव है। या फिर ऐसा कह लो, ये जो प्रभु में अद्भुत सौंदर्य है ना, ये वस्तुतः उनके स्वभाव का ही सौंदर्य है। इतना सरस, इतना मधुर, सबसे बड़े होते हुए भी उनसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े, सबसे ऊंचे होते हुए भी ऐसे हैं प्रभु, ऐसे कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई। चलो अर्जुन तो सखा है, पर यहां ये झांकी देखिए, राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा तामे झूठ उठाई हरे कृष्णा, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे वही दृश्य देखकर तो पितामह के नेत्र छल छला आए। अच्छा भीष्म बड़े बड़े गंभीर भक्त हैं, वो तो श्री कृष्ण के ज्ञान स्वरूप में स्थित रहने वाले बड़े गंभीर भजन भाव से युक्त महात्मा हैं, पर कहते हैं नेत्र छल छला आए पितामह के कि बाहर आकर जब देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था और पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था, और कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। और बस जैसे ही वो दृश्य देखा ना पितामह ने, और वहां लगे कन्हैया हंसने में और यहां लगे पितामह रोने में। ऐसे हैं प्रभु, सबसे बड़े,